दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा बताए गए तुलसी की जड़ की मिट्टी के अचूक टोटकों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों पूज्य गुरु जी ने तुलसी के भी कुछ अचूक उपाय बताए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है। दोस्तों अगर आप अपने घर में धन की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं या आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों का वास है तो दोस्तों आपको पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए तुलसी के मिट्टी के ये अचूक उपाय जरूर करने चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे के अचूक उपाय करने से आपके घर से धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन से जुड़ी कोई भी समस्या ना रहे तो दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए नए नए उपाय, नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखते हैं। दोस्तों देखिए, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी जड़ों के पास भगवान विष्णु खुद सालग्राम के रूप में निवास करते हैं। मानता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं, साथ ही उस घर में माता तुलसी जी की कृपा से धन की प्राप्ति होती है। साथ ही तुलसी का पौधा आपके शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति भी देता है और आपके शरीर को निरोग रखता है। मानता है कि तुलसी के पत्ते के इस्तेमाल से धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही तुलसी के छोटे छोटे उपाय धन लाभ में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों को किस तरीके से और किस दिन करना चाहिए। दोस्तों देखिए, यदि आप कुंडली में नवग्रह या किसी भी प्रकार के दोष से या शनि दोष से या फिर रवि दोष से पीड़ित हैं तो तुलसी की जड़ को ताबीज में रखकर उसे गले में धारण करें। मानता है कि इससे सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के पास धन दौलत की कमी नहीं रहती है। तुलसी की जड़ों में प्रतिदिन स्नान के बाद जल डालने से नवग्रह के दोष दूर हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर की गरीबी दूर होने लगती है। देखिए, यदि दुकान या घर में नकारात्मक शक्तियों को दूर करना चाहते हैं तो तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी किसी काले कपड़े में बांधकर अपने दुकान के दरवाजे या फिर मेन दरवाजे पर लटका दें। इससे दोस्तों आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी वो सारी घर से दूर भाग जाती हैं। धन प्राप्ति करने के लिए तुलसी की जड़ को चांदी के ताबीज में पहनें। इससे धन आगमन के सभी मार्ग खुल जाते हैं और व्यक्ति बहुत जल्दी धनवान हो जाता है। प्रतिदिन स्नान के बाद तुलसी के पौधे की जड़ से मिट्टी लेकर माथे पर तिलक लगाएं। इससे व्यक्ति की सम्मोहन शक्ति बढ़ जाती है। सामने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी आपसे प्रभावित हो जाता है। तुलसी के पेड़ की जड़ से मिट्टी लेकर तिलक लगाने से मन हमेशा शांत रहता है और दुर्भाग्य दूर होता है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं या आपके ऊपर कोई भी ग्रह खराब चल रहा है तो रोजाना अपने नहाने के पानी में तुलसी के पेड़ की चुटकी भर मिट्टी मिलाकर रोजाना स्नान करें। इससे आपके जो खराब ग्रह हैं वो आपको शुभ परिणाम देने लगते हैं और आपके ऊपर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। दोस्तों तुलसी से जुड़े कई टोटके हैं जिनको करने से हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। साथ ही ये टोटके धन लाभ को चुंबक की तरह खींचे चले जाते हैं जिनका हमें 100% फायदा मिलता ही है। ऐसे ही गन्ने का रस का उपाय है। शिव पुराण में बताया गया है कि तुलसी के पौधे में गन्ने का रस अर्पित करने से आर्थिक तंगी और व्यापार में होने वाले नुकसान से छुटकारा मिलता है। साथ ही माँ लक्ष्मी कृपा होती है और घर में धन की कभी भी कमी नहीं आती है। घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। दोस्तों देखिए, गन्ने का रस का जो उपाय है इसे आप किसी भी शुक्रवार के दिन करें। सुबह नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लें और एक गिलास गन्ने का रस ले लें। फिर तुलसी के पास खड़े होकर आपको सीधे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर तुलसी के क्यारे में छोड़ते हुए आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको 7 बार अपने हाथ की हथेली पर गन्ने का रस लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर तुलसी के क्यारे में छोड़ देना है। दोस्तों इसी तरह से आपको 7 बार एक एक करके लेना है गन्ने का रस और फिर अपना नाम और गोत्र बोलकर तुलसी के क्यारे में छोड़ देना है। लास्ट में जो बचा हुआ गन्ने का रस है उसे आप खुद जो है
प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें या फिर अपने घर के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में बांट दें। दोस्तों, इस उपाय को करने से व्यक्ति धनवान बन जाता है, कभी भी घर में धन की कमी नहीं आती है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गन्ने के रस को तुलसी के पौधे में डालना शुभ माना गया है। यदि आप अपने शत्रु से परेशान हैं तो यह उपाय आपके लिए सिद्धकारी साबित होगा। आप मंगलवार या फिर शनिवार के दिन तुलसी के पौधे में गंगा जल के साथ गन्ने का रस मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपके सभी काम सिद्ध होंगे। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार गंगा जल में तुलसी की पत्तियां या मंजरी गन्ने का रस मिलाकर घर में छिड़काव करने से पैसे की परेशानी से निजात मिलती है। साथ ही ऐसा करने से घर से नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली उपाय की, जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। तुलसी के जड़ की मिट्टी का एक उपाय, यह आपकी किस्मत को चमका के रख देगा। दोस्तों देखिए, इस उपाय को आपको किसी भी शुक्रवार के दिन सुबह करना होगा। आप जब भी नहा धोकर फ्री हो जाएं, आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 रुपये का सिक्का और लाल कपड़े की जरूरत होगी। साथ में आपको 5 फूलदार लौंग लेनी होगी। अब देखिए, आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले माता तुलसी के पास जाना है और वहाँ से आपको थोड़ी सी 1 मुट्ठी के बराबर मिट्टी तुलसी की जड़ की लेनी है और लाल कपड़े पर आपको रख लेनी है। फिर जो 1 रुपये का सिक्का है, इस सिक्के को आपको तुलसी के पौधे के ऊपर से 7 बार बांधना है और उसे मिट्टी में छुपा कर रख देना है। जो तुलसी की मिट्टी आपने लाल कपड़े पर रखी थी, उसी मिट्टी में आपको छुपा कर रखना है। अब देखिए, जो 5 लौंग है, ये 5 लौंग आपको लेनी है और इन्हें भी आपको मिट्टी में ऐसे ही रख देना है। फिर दोस्तों, आपको इसकी एक पोटली बना लेनी है। इस पोटली को आप जो है अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रख दें और देसी का दीपक जलाकर प्रज्वलित कर दें और माता लक्ष्मी के मंत्र ओम माँ लक्ष्मी नमः इसका 108 बार जप करें। मंत्र जप करने के बाद दोस्तों, आपको इस लाल पोटली को उठाना है और अपने घर के तिजोरी या फिर गल्ले में आपको इसे स्थापित कर देना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। घर में हमेशा धन की बरकत होती है और घर में सुख शांति और धन की प्राप्ति होती रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो अगर आपको पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए ये उपाय अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर रोज़ पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए नए नए उपाय आप लोगों तक पहुँचते रहें।